तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के उत्तरी इलाके में पुलिस ने प्रेस मीटिंग का आयोजन किया। इस आयोजन में अपहरण केस का समाधान किया गया। हम आपको बता दें कि 15 मई को एक नागमणि नाम की युवती का अपहरण किया गया था। इस युवती को श्रीनिवास नाम के युवक ने अपहरण किया था। इस युवती के पति को श्रीनिवास ने 4 लाख रुपए का लोन दिया था। किसी कारणवश उस युवती का पति लोन नहीं लौटा पाया, इसी के चलते नागमणि नाम की युवती का अपहरण कर लिया गया। इसके बाद युवती के लड़के ने सीसीटीवी की फुटेज लेकर कल रात FIR थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस केस में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसी को लेकर आज पुलिस ने हैदराबाद उत्तरी इलाके में प्रेस मीट रखी। 9 बजे उसके बाद कंप्लेंट तो मिडनाइट के अंदर अपडेट थे। इमीडिएटली पुलिस केम इन टू एक्शन। बशीर के नाम के बच्चे के सर, उसके मदर एक मेड सर्वेंट है, उसका फादर नहीं है। धूमावरम को चला गया। एक पर्सन वहाँ आके पूछा कि हेड फादर नहीं है, जब वो बोला कि फादर नहीं है, जो मदर पर हम काम करते हैं मेड सर्वेंट के, वहाँ उधर जाकर उसको फोर्सिवली लेके गए। एक इंडिका कार में उसके साथ और 3 लोग करीब 3 बाइक्स में फॉलो किए। वो इंडिका उसको बीच दे हैव बीटन हर अप एंड देन टेकन हर अवे फॉर द सेक ऑफ मनी। जो पैसे ये लोग देना था उसको, इसके वास्ते सिर्फ वो इंडिका कार का नंबर के वजह पुलिस इमीडिएटली टू टोल गेट टूवर्ड्स निजामाबाद नंबर्स पूरे स्विच ऑफ के अक्यूज के। उसके बाद पूरा कैमरा देखते हुए कल इवनिंग रेलवे गेट वहाँ उसको गिरफ्तार किया। अभी 3 लोगों को जो किडनैप में थे, पूरे मिलके 6 लोग हैं। इसमें 3 गिरफ्तार हुए अभी तक, मेडिपल्ली श्रीनिवास, साईराम और राजी रेड्डी बोल के। ये पूरे उस लेडी को लेके जाके कार में बिठा के और एक ऑब्जेक्टिव में फॉलो करते हुए उसको डरा के और मारने के बाद उसको किडनैप किए। दिस इज नॉट ए केस अंबरपेट पुलिस ने विद इन 24 आवर्स सॉल्व किए। अच्छा था सीसीटीवी क्लू और व्हीकल का क्लू लेके हैदराबाद से मोहम्मद समद की रिपोर्ट।